Assalamualaikum. Hello, hi everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे. अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आबाद रखें. आमीन. तो आज हम जा रहे हैं बैक वाटर बोटिंग के लिए. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. अच्छा, हमारे साथ हैं इनकी दोस्त की फैमिली. और लोकेशन पे जो है हम अभी पहुंचने वाले हैं. एक्चुअली पहुंच भी चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो गाड़ी जो है हमने यहाँ पर पार्क कर दी है. पार्किंग स्पेस जो है ना यहाँ पर बहुत ही सारा आपको मिल जाएगा. और यहाँ पर टूरिस्ट भी इतने सारे आए हुए होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. तो चलिए मेरे साथ. यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी जो है यहाँ पर गाड़ियाँ आकर जो है रुक चुकी है. सब लोग जो है ना एक्चुअली बोटिंग के लिए निकल चुके हैं. हम अभी अभी आए हुए हैं एंड यहाँ पर हम हमारी बोट का इंतज़ार कर रहे थे. यहाँ एक्चुअली यहाँ पर आने से पहले ना आप इनको जो है एक कॉल करें. इंटरनेट पर जो है ना आपको इनका नंबर मिल जाएगा. बैक वाटर बोटिंग हुन्नावर ऐसा कुछ आप जो है डाल सकते हैं तो आपको इनका जो है नंबर मिल जाएगा. हम कॉल करके गए थे, इसीलिए जो है हमारी बोट जो है वो ऑलरेडी बुक थी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बोट जो है वो आ चुकी है. आप जाएंगे सीधा इसके अंदर और बैठेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस होगा. यहाँ पर मैं पहली बार कर रही हूँ. बाहर एंड ऑल जो है मैंने ऑलरेडी जो है इसका एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है. तो जाएंगे और बैठेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा. बहुत ही एक्साइटेड है. जैन और बच्चे सभी जो है बहुत ही एक्साइटेड थे माशाल्लाह से. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सभी जो है बैठ चुके हैं और हमारी बोट जो है अभी शुरू होने वाली है. ऑलमोस्ट शुरू हो भी चुकी है माशाल्लाह से. यहाँ पर फ़ोटोग्राफी एंड ऑल जो है काफ़ी सारे हमने यहाँ पर क्लिक किए हुए थे. बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था. क्लाइमेट जो था ना बहुत ही बढ़िया था. लाइक इट वाज़ वेरी नाइस क्लाइमेट. गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठंडा क्लाइमेट था. धूप थी थोड़ी थोड़ी सी, उतनी भी धूप नहीं थी. इट वाज़ रियली नाइस कि हम एक्चुअली इट वाज़ अराउंड हम गए थे 5:30. नेक्स्ट यहाँ पर जो है इनकी दोस्त की वाइफ भी जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैं सभी को जो है यहाँ पर मैं हाई बोल रही हूँ. तो नेक्स्ट जो है मैं इनको कह रही थी कि टर्न करके उस तरफ भी जो है दिखा दो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो है अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. जहाँ पर इनकी दोस्त की वाइफ खड़ी हुई थी ना वो हाइट से जो है ना थोड़ा ऊपर था और जहाँ पर हम सभी बैठे हुए थे ना वो थोड़ा सा जो है नीचे था. बहुत ही अच्छा लगा. लाइक मैं इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ का एक्सपीरियंस जो था ना बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा. और यहाँ से जो है बस आप सीनरीज को जो है एंजॉय करें. और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें. हमारी बोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रीज़ के शेड में जो है अंदर जा रही है. और बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं थोड़ा सा जो है आपको बाहर से दिखा दूँगी, फिर उस तरफ से टर्न करके जो है मैं आपको अंदर का जो है ये नज़ारा दिखा दूँगी. इन द शेड ऑफ अ ट्रीज़ हम आकर पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगता है. यहाँ पर काफ़ी सारे बोट्स आकर जो है रुकते हैं टू क्लिक द पिक्चर्स. यहाँ पर फोटोग्राफर जो था ना वो मौजूद है, बट हमने फोटोग्राफर से जो है हमने पिक्चर्स क्लिक नहीं किए थे. बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत सारी काफ़ी बोट्स आकर जो है ना यहाँ पर रुक चुकी थी और बहुत ही गर्मा गर्मी हुई बिकॉज हमारी बोट्स एंड ऑल जो है ना वहाँ पर जो है जाम हो चुकी है. आप यहाँ पर देख सकते हैं. फिर ऐसा वैसा करके कुछ हम यहाँ से जो है निकल चुके थे. हमारी बोटिंग वाली जो सेक्शन थी ना वो भी पूरी हो चुकी थी. फिर नेक्स्ट हम जो है वन बाय वन करके जो है हम यहाँ से जो है उतर रहे हैं. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत काफ़ी सारे हमने यहाँ पर पिक्चर्स भी क्लिक किए थे.
फिर नेक्स्ट हमने सोचा यहाँ से सीधा हम जाएंगे इको बीच। इको बीच आपको जो है ना इसके अपोजिट जो है इस तरफ से जो है मिल जाएगी ऑन द रोड साइड ही। जब आप रोड से आते हैं ना, एक तरफ आपको इको बीच का ये वाला बोर्ड मिल जाता है और ऑन द राइट साइड जो है ना आपको वो होनावर बोटिंग वाला जो है बोर्ड मिल जाता है। तो फिर हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा रश था यहाँ पर, इतने सारे व्हीकल्स आपको देख व्हीकल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, लाइक बसेस पे आए हुए हैं और कितने सारे कार्स और इतनी सारी यहाँ पे ट्रैफिक जाम थी। हमने कार को जो है ना बहुत ही दूर पार्क किया हुआ था, वहाँ से जो है हम यहाँ तक चल के आए हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे लेकर आते तो हम यहीं पे जो है फंस जाते। बहुत ही यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक थी, हमारे पीछे इतनी सारी ट्रैफिक है, हमने पूरा जो है वो पार करके हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है आप बस यहाँ पर देखें और इन्जॉय करें यहाँ का पूरा नज़ारा। फिर नेक्स्ट जो है हम इस शॉप में आ चुके थे बच्चों को जो है थोड़ा सा बिस्किट्स एंड ऑल स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। और यहाँ से निकलते ही हमें बहुत ही लेट हो चुका था, फिर रास्ते में हमें मस्जिद मिली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इस मस्जिद में नमाज़ के लिए आ चुके थे और यहाँ पे मुसल्ला निसा भी था, तो बहुत ही अच्छा हुआ हमें। कितनी रंग बिरंगी जो है यहाँ पर ये मस्जिद थी माशाल्लाह से। फिर यहाँ से जो है हम निकल चुके थे, तो हुनावर से जो है हम कुमटा पहुँच चुके हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम डिनर का भी जो है प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कुमटा में ना एक यहाँ पर मीटिंग पॉइंट नाम से एक कैफ़े था। ये मीटिंग पॉइंट कैफ़े के ओनर जो थे ना, इनके दोस्त के साथ जो ना इनका कुछ जान पहचान था, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए थे। एंड लाइक हुनावर बोटिंग से लेकर इको बीच एंड फिर यहाँ पर आना, इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइक वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ा आया आज। और जैन जो है ना इनकी कंपनी इतना इन्जॉय करता है आजकल। ये बड़ी वाली जो है ना इसका नाम है रिफा और जो छोटी वाली थी इसका नाम है जूबी। इनकी कंपनी आजकल जैन जो है इतना इन्जॉय कर रहा है, जैन की जो है ना बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं दोनों भी माशाल्लाह से। फिर यहाँ पर हम डिनर के लिए आए हुए थे, तो जाएंगे सीधा अंदर। और सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, फिर इसके बाद हमने ऑर्डर किया था शोरमा। एक्चुअली इट वाज अराउंड 10 o'clock, तो बहुत ही लेट हो चुका था और यहाँ पर लिमिटेड जो है मेन्यू था आई गेस। फिर जो था हमने वही ऑर्डर किया था, बस एक्स्ट्रा हमने कुछ जब हमने पूछा था वो अवेलेबल नहीं था।
फिर नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ कार में। जैन को जो है बहुत ही प्यास लगी हुई थी, तो जैन को जो है फटाफट से हम मिल्क बना कर दे देंगे, फिर जाएंगे सीधा अंदर और यहीं पे जो है मैं व्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमारा डिनर जो है वो हो चुका है, नेक्स्ट हम जाएँगे सीधा घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।